यह तस्वीर बदलते मिथिलांचल की है। यह तस्वीर मिथिलांचल के कहे जाने वाले राजधानी दरभंगा की है, जहां खास तौर पर केंद्र और राज्य सरकार मेहरबान है। जी हां, यह तस्वीर पटना के बाद दरभंगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बन रहे बिहार का दूसरा और बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल की है, जिसका निर्माण जोर शोर से चलने के बाद अब तारामंडल का आकार अंतिम रूप लेने लगा है। जी हाँ, बात करें इस तारामंडल की तो यह बिहार का दूसरा और सबसे बड़ा तारामंडल है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि यह तारामंडल का पूरा ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। आपको बताते चले कि तारामंडल को दो फेज में बनकर तैयार करना है, जिसमें पहला फेज का काम लगभग खत्म हो चुका है। अब बस 5 से 6 महीना के अंदर दूसरा फेज का भी काम खत्म कर लेना है, फिर बिहार का यह दूसरा तारामंडल होगा, जहां आप सितारों से रूबरू हो पाएंगे, अंतरिक्ष से रूबरू हो पाएंगे, इनके गतिविधियों को जान सकेंगे। वहीं आपको बताते चले कि यह तारामंडल लगभग 164 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसका डिजाइन यूएसए की कंपनी ने तैयार किया है। वहीं तारामंडल का निर्माण कार्य 12 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था और इसे 11 जून 2021 तक पूरा होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह करीब 6 महीना की विलंब हो गया। फिर इसको दिसंबर 2021 तक यानी इस महीना के अंदर पूरा करना था, लेकिन इस बार डिजाइन को लेकर विलंब होने के कारण 5 से 6 महीना के लिए इसके कार्य को बढ़ा दिया गया है। वहीं बात करें तो इस तारामंडल में 300 लोगों को बैठाकर शो देखने की क्षमता होगी। वहीं इसमें एक विज्ञान संग्रहालय, ऑडिटोरियम और विज्ञान की गतिविधि एवं शोध के लिए भी अलग से भवन और हॉल बनाया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि यह विशाल गुंबदनुमा बिल्डिंग, जो अपनी गुंबदनुमा और अर्धगोला छत से पहचाना जाता है, वहीं इसका गुंबद साउंड प्रूफ होता है, जहां कृत्रिम रूप से ग्रह नक्षत्रों को दिखाया जाता है। सरकार यहां इतनी मेहरबान है कि दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स, तारामंडल, आईटी पार्क, बिहार का पहला अनोखा तैरता हुआ सोलर प्वाइंट भी बनाने जा रहा है। बस अब देखना हो कि नया जो डेडलाइन है उसमें यह तारामंडल बनकर तैयार होता है कि नहीं। खैर, इसको लेकर हर बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।